दोस्तों अखरोट के पौधे गमले में किस तरह से उगाए जाते हैं, और आप गमले में ही जो है तो इसके फ्रूट भी आप ले सकते हैं, और अखरोट की खेती किस तरह से की जाती है, और इसकी जो पूरी जानकारी जो इस वीडियो में मिलेगी, तो आप वीडियो में जो है अंत तक बने रहें। तो अब बात करते हैं अखरोट के पौधे कैसे उगाए जाते हैं। तो अखरोट के पौधे जो है सीड के द्वारा उगाए जाते हैं, और इसमें अगर आप बहुत जल्दी जो है फल लेना चाहते हैं तो इसमें जो है तो फल लेने के लिए जो है तो इसमें ग्राफ्टिंग की जाती है, जिसमें इसकी पुराने जो पौधे होते हैं जिसमें फ्रूट आते हैं उसकी जो है इसमें कलम चढ़ाई जाती है, सीड वाले पौधे में कलम चढ़ाई जाती है, जिससे कि जो है ये 5 से 6 साल में जो है तो ये फ्रूट देने लग जाते हैं, चाहे ये ज़मीन में हो या गमले में हो तो ये फ्रूट देना स्टार्ट कर देते हैं। और गमले अखरोट की खेती की बात करें तो अखरोट की खेती जो है तो ये बहुत ही ठंडे इलाकों में इसकी खेती की जाती है, तो ये जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जो है तो इसकी खेती बड़े पैमाने पर जो है की जाती है, क्योंकि यहाँ जो है तो ठंड अच्छी तरह जो है तो यहाँ पर पड़ती है, और इसके पौधे के लिए जो है तो ठंड जो है बहुत ज़रूरी होती है, तो ये ठंड में ही अच्छे से ग्रो करता है। और इसके बाद आप इसे गर्म इलाकों में भी बहुत आसानी से जो है तो उगा सकते हैं। तो इसके ये जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये जैसे दिल्ली के मौसम में, दिल्ली में ये लगा हुआ गमले में लगा हुआ था, तो ये गमले में हमने दिल्ली में उगाया है, तो इसको जो है सीड से ग्रो किया था, करीब 2 साल पहले इसको हमने ग्रो किया था। और सीड जब भी आप अगर आप सीड से इसके पौधे उगाना चाहते हैं तो सीड जो है अच्छी तरह से जो है पका होना चाहिए, वो कच्चा नहीं होना चाहिए, तो अच्छी तरह से अगर पका हो उसी सीड को आप ग्रो कर सकते हैं। उसको उगाने के लिए जो है तो 1 हफ्ते करीब जो है उसमें पानी में जो है तो आप डुबो के आप रखिए, इससे क्या होगा कि उसकी जो छाल होगी, जो उसका जो कवर होगा तो वो जो है अच्छे से भीग जाएगा, उससे जो है तो ये बहुत ही जल्दी जो है उग जाता है। अगर आप ऐसे लगाते हैं तो ऐसे भी जो है तो इसके पौधे उग जाते हैं। और उगाने के लिए जो है तो आप अगर गर्मियों में भी उगा सकते हैं इसके, और सर्दी बरसात के मौसम में भी बहुत आसानी से जो है तो ये उग जाते हैं, और बरसात के मौसम में तो ये बहुत ही आसानी से उग जाते हैं। तो उसके बाद हैं इसकी केयर की बात करें तो केयर बहुत ज़्यादा इसको केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ गर्म इलाकों में अगर आप इसके पौधे उगा रहे हैं या गमले में उगा रहे हैं तो इसका जो है तो विशेष ध्यान देना होता है। जैसे कि आप इसको बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में आप ना रखें, क्योंकि ये ठंडे इलाकों का ही पौधा है, इसे जो है ठंड ही पसंद होती है, तो ये गर्म इलाकों में अगर धूप में आप तेज़ धूप में अगर आप रखेंगे गर्मियों में तो ये जो है लू से जो है ये पौधा जो है मर सकता है। तो और इसके बाद जो है तो ये करीब 2 साल का पौधा है, और इसको जो है दिल्ली में जो है तो ये गमले में उगाया है, तो ये जो है मई के जून के महीने में जब तेज़ धूप पड़ती थी तो इसमें जो है तो पूरी लू से इसके पत्ते जो है तो पूरे जो है झुलस गए थे, और उसके बाद जो है तो हमने जो है इसको छाया में रख दिया था, तो छाया में रखने के बाद जो है तो कुछ समय बाद इसके जो पुराने पत्ते थे वो जो है सूखे हुए पत्ते हमने हटा दिए थे। उसके बाद बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है इसके पौधे में, गुड़ाई भी हल्की हल्की करनी है, बहुत ज़्यादा इसकी जड़ों को डिस्टर्ब नहीं करना है। दोस्तों कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो गमले में बहुत आसानी से अखरोट के पौधे उगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।